प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता हैं और उनसे बात करेंगे कि कॉल आया है कि नहीं आया। देखिए निमंत्रण को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है और अगर विपक्षी दलों को निमंत्रण नहीं आता है तो एक बड़ा मुद्दा है ये कि आपने इतने बड़े कार्यक्रम में निमंत्रण ही नहीं दिया। आने की बात तो दूसरी, अगर मना किया या दूसरी बात है तो क्या प्रमोद तिवारी जी क्या कह रहे हैं? प्रमोद तिवारी जी उपनेता है राज्यसभा में, खड़गे साहब के पास निमंत्रण आया है ऐसी खबर मिल रही है, क्या खबर किसी को निमंत्रण आया है कि नहीं आया विपक्ष के पास? मैं नहीं जानता। ज्यादातर जो विरोधी दल के हमारे सदस्य है जो हमारे साथ मिलजुल कर चुनाव लड़े हैं उनको नहीं निमंत्रण मिला है। मैं खुद दल का उपनेता हूं, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, तो हम लोगों के जाने का औचित्य क्या हो? क्या ये एक नई परंपरा डाली जा रही है? आज तक तो ऐसी कभी नहीं हुआ होगा कि विपक्षी दल के मुख्य नेता को, उपनेता को, सोनिया गांधी को निमंत्रण ही नहीं आया हो। मैं नहीं जानता मुख्य विरोधी दल के मुख्य नेता को आया है कि नहीं आया। मैं उपनेता के रूप में कह रहा हूं मुझे नहीं आया। इसी तरीके से बहुत से घटक दल जो हमारे साथी दल हैं, जो मित्र दल हैं, उनको भी नहीं आया। क्या ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मैं तो इनको धन्यवाद भी नहीं दूंगी, तो धन्यवाद देने लायक भी स्थिति नहीं है क्या? बधाई देने ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा हो उसका जवाब तो ममता बनर्जी जी देंगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उन्हें न रुचि है लोकतंत्र में, लोकतंत्र से मान्यताओं परंपराओं से उनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप कर दीजिए प्रमोद जी को, आप हमारे साथ बने रहिए। इन सबके बीच शिवम त्यागी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। शिवम, कहा जा रहा है कि भाई न्योता ही नहीं आया, क्या चक्कर है ये? सामान्य शिष्टाचार भी नहीं होगा क्या इस बार? नहीं हुआ है, मैं तो कहता हूं हर बार सामान्य शिष्टाचार होता है, कब नहीं हुआ? 26 जनवरी पे शिष्टाचार होता है, 15 अगस्त पर शिष्टाचार होता है, तमाम सिचुएशंस पर शिष्टाचार होता है, लेकिन लोग आकर बैठने के लिए तैयार नहीं होते। इस देश के लिए जो बड़े बड़े कार्यक्रम और सम्मानित कार्यक्रम होते हैं, इस देश के जो कार्यक्रम होते हैं, विपक्ष ने तो ऐसा सोच लिया है कि जैसे उनका भी अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और खड़गे जी को अगर निमंत्रण गया है, एक अध्यक्ष होने के नाते चला गया है, आप कंफर्म कर रहे हैं कि गया है? नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने भी ये खबरें न्यूज रिपोर्ट से ही सुनी है, लेकिन अगर गया है तो, और मैंने ये भी पढ़ा है कि उन्होंने कहा था कि इस पर फैसला कल सुबह यानी कि आज लेंगे। अगर उनको थोड़ी भी लोकतांत्रिक परंपराओं का मान है तो आए, स्वागत है। ठीक है, जो परंपरा होती है उसका पालन किया जाएगा। डॉक्टर अजीज खान साहब, क्या इस बार जो है भाई हार हुई है, मान लीजिए कि बीजेपी की सीटें कम हुई है, लेकिन सरकार तो वही बनाने जा रहे हैं, बधाई देते, रचनात्मक सहयोग की बात करते, वो भी नहीं कहा जा रहा है,